हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसीब ताहिर। जिन दोस्तों के अज़्वे ख़ास में तनाव नहीं आता, अज़्वे ख़ास में बहुत ज़्यादा सुस्ती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, मुश्त जनी की वजह से या कसरत मुबाशरत की वजह से अज़्वे ख़ास टेढ़ेपन का शिकार हो गया है, अज़्वे ख़ास जड़ से बिल्कुल पतला हो गया है और पीनस में बहुत ज़्यादा खराबी पैदा हो गई है, तो जो नुस्खा मैं बतलाने जा रहा हूँ, इस नुस्खा पर अमल करें, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। दोस्तों, मेरी हमेशा से ही ये ख्वाहिश रही है कि मैं आपके लिए वो नुस्खा जात लाऊं, आपको वो नुस्खा जात बताऊं जो बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा इजी हो, और उसके इंग्रेडिएंट्स यानी उसके अज्ज़ा आपको बाज़ार से, मार्केट से बासानी मिल सकें। तो दोस्तों, नुस्खा की जानब बढ़ने से पहले मेरे नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियो उनको बासानी मिल सके। तो दोस्तों, ये नुस्खा भी बाकी तमाम नुस्खों की तरह बहुत ही ज्यादा आसान है, आप इसको घर में भी बासानी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, नुस्खा में सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें इस्तेमाल होनी है। पहले नंबर पर जैतून का ऑयल, दूसरे नंबर पर सफेद प्याज का रस और तीसरे नंबर पर अकर करहा। दोस्तों, आपने अकर करहा तकरीबन 6 ग्राम लेकर उसको बारीक पिसवाकर पाउडर बना लेना है। दूसरे नंबर पे आपने सफ़ेद प्याजों का रस जो आपने तकरीबन 50 ml लेना है, वो आप घर में ग्राइंडर में भी उसको उसका प्याज का रस निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपने जैतून का तेल, जो कि मालिश वाला जैतून का तेल, आपने वो 100 ml वो ले लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जैतून के तेल को कढ़ाई में डालकर उसमें आपने 50 ml प्याज का रस मिक्स कर देना है और उसमें आपने 6 ग्राम अकर करहा जो हमने बारीक पाउडर पीस कर बनाया था उसको शामिल कर देना है। ये तीनों चीज़ों को आपने चूल्हे पर रख कर आपने 15 से 20 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि अकर करहा का पाउडर और प्याज का रस जैतून के तेल में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। दोस्तों, 15 से 20 मिनट के बाद इस तिला को आप उतार कर नीचे रख लें, ठंडा कर लें और मलमल के कपड़े में छान कर किसी बोतल में महफूज कर लें। तो दोस्तों, यूज़ करने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने रात को सोने से पहले, रफा हाजत से फारिग होने के बाद, आपने जब सोना है, आपने 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 अपने अज़्वे ख़ास को नीम गर्म पानी के साथ अच्छी तरह धोकर सिर्फ 5 से 7 कतरे आप अपने आपने अपने अज़्वे ख़ास पर लगाने हैं। आपने अपनी कैप और नीचे वाली जो वेन होती है वो उसको आपने छोड़ देना है, और बाकी यानी ये कैप और ये नीचे वाला सेवन और हशका आपने छोड़ देना है। 2 कतरे आपने ऊपर, 2 साइड और 2 इस साइड पर लगाकर आपने मालिश कर 5 से 7 मिनट मालिश करें, और उसके ऊपर रुई या मलमल का कोई बारीक कपड़ा लपेट कर आप सो जाएं। और सुबह जब आप रफा हाजत के लिए उठें, आप अपने अज़्वे ख़ास को नीम गर्म पानी के साथ धो लें। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप इस तिला को 7 दिन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह 7 दिन के इस्तेमाल से ही आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इन 7 दिनों में ही आपको अज़्वे ख़ास की जो बारीक वेन्स होती हैं, जिनमें से खून का बहाव होता गुजरता है, वो इंशाअल्लाह खुल जाएगी और आपके अज़्वे ख़ास की सुस्ती, कमज़ोरी, लागतपन जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह आप 7 दिन इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल हसीब ताहिर को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।